पारू ने मुझे धोखा दिया है, मुझे पारू वापस चाहिए। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। मैं कूद कर जान दे दूंगा। हाँ मैं कूद रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पारू के बिना जिंदा नहीं रह सकता। पारू को लाओ वरना मैं जा रहा हूँ। मत कूदो, हम उससे बात करेंगे, तुम नीचे आ जाओ। तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, वो मुझे लाइक नहीं करती है। मैं मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने सारा शहर घुमाया। अब मेरी बाइक पर चलोगे तो उसमें मेरी क्या गलती है, बोलो क्या गलती है? मैं मर जाऊंगा। हाँ तुम किस सिनेमा देख रहे हो? प्लीज जाओ और उसे बचाओ। ओ नहीं मरेगा, कूदूंगा बोलेगा पर कूदेगा नहीं। डराने वाले कभी मरते नहीं। उसे सिंपैथी चाहिए और ये सारे लोग उसे सिंपैथी दे रहे हैं। इस सिंपैथी को देखकर शायद मर जाए, वरना वो मरने वाला नहीं। मरने वाले को रोक नहीं सकते, और वैसे भी मरने वाला कभी ऐसे लोगों की एंटरटेनमेंट नहीं कराता। तो ये सब तुम्हें एंटरटेनमेंट लगता है? सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन सब के लिए एंटरटेनमेंट है। इससे भी बेटर एंटरटेनमेंट मिलने तक ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। जैसे ये हिलेंगे वो मरेगा। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ओके, इतना आर्ग्यू करने के बजाय तुम उसे जाकर बचा क्यों नहीं लेते? उसे बचाना है ना, बस इतना ही। ठीक है, इसे तो अच्छा समझा था, ये भी गंदा निकला। अरे यहाँ देखो, मैं मर रहा हूँ यार। कहाँ देख रहे हो तुम लोग? यार मेरी बात तो सुनो। अरे न पारो मुझे समझती है, न दोस्त मुझे समझते। तुम्हें मर के क्या करूंगा? मुझे नहीं मरना, जाओ हट। नहीं मरूंगा। तुम लोग जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। Be cool guys। अरे छोड़ो यार मुझे। तुम्हें प्यार पर भरोसा है? अगर नहीं होता तो मैं मरने के लिए क्यों जाता? पहले खुद से प्यार करना सीखो, तभी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। अच्छा मतलब ऐसा होता है। तो बुरा मतलब क्या? बुरा मतलब ऐसा हो, अगर हाथ नहीं लगाऊंगा तो डिसअपॉइंट हो जाओगी लगता है। मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं अपने स्टेटमेंट को बदलना चाहता हूँ। बेवड़े और बदमाश में जल्दी दोस्ती होती है बोला था ना। इतना ही नहीं, पहली मुलाकात में लड़ने वाले भी दोस्त बनते हैं, लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया मैंने? पहली मुलाकात में तुमने शशि के गाल पर चांटा मारा था ना, वो लड़ाई तो थी। तब मुझे पता नहीं था कि मैं उसे प्यार करने लगूंगी। उसका छोड़ो, तुम अपना बताओ। ऑफ कोर्स मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो देखो अपना हीरो आ गया। हाय हाय शैलू। हाय गाइस। सॉरी शैलू। सॉरी क्यों? उस लड़के को बचाने के लिए कल जो मैंने किया उस लिए। मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग मतलब लव। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये सब उसे बचाने के लिए किया। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मैं तुमसे नफरत करती थी ना, यही ठीक था। वो लड़के जो मुझे सीधे प्रपोज करते हैं, वो तुमसे कई गुना बेहतर है। यू सच अ हिपोक्रेट। तुम अंदर से मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और उसे छुपाने के लिए तुम मुझे प्यार के ऊपर फिलॉसफी सुनाते हो। आई हेट दैट। अगर प्यार नहीं है तो उस दिन क्यों पूछा कि शादी करोगी क्या? हाँ बताओ। मेरी नजर में प्यार नहीं बल्कि शादी है। मेरी नजर में दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, पर प्रेमी नहीं। औरत और आदमी के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन होना आम बात, वो बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट है। हमारे और जानवरों के बीच कुछ तो फर्क हो, इसीलिए इंसानों के संप्रदाय में शादी होती है। मैंने तुमसे पूछा था, मुझसे शादी करोगी, मेरे साथ रहोगी? सिर्फ साथ रहने से ही प्यार नहीं होता,
और तुम तो कल गले लगने को ही प्यार समझ बैठी। I'm sorry. सॉरी तो मैं हूँ, मैं ही पागल थी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी। आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर तुमने अपनी शक्ल दिखाई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। गुड बाय, गुड बाय फॉरएवर। Excuse me, मुझे जल्दी मेरा लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, मैं ये कॉलेज छोड़ रही हूँ। चलो चलो, वन मिनट, चलो चलो, मेरी बात तो सुनो, जस्ट गिव मी अ मिनट टू टॉक, चलो चलो, जस्ट लिसन टू मी, ओके? चलो, मुझे नहीं लगा था तुम इस बात को इतना सीरियसली लोगी। ओके, मेरी वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद कॉलेज छोड़ दूंगा। पर एक बात याद रखना, मेरी दोस्ती सच्ची थी और मेरी बातें भी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। आई एम रियली सॉरी, बाय, गुड बाय, गुड बाय फॉरएवर। तुम दोनों के अलग होने के बाद चैलजा बहुत मूडी बन गई थी यार। अब में से किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती थी और वो अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं देती थी। वो अब कहां पर है? यहीं हैदराबाद में ही है। और उसका पति क्या करता है? पति कहाँ है भाई, उसने अभी शादी नहीं की है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। सच में? हाँ। मैंने सुना कि उसकी शादी हो चुकी है, तुम लोगों ने भी नहीं बताया। वो टॉपिक कभी हमारे बीच में नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैसे भी तुम जब अमेरिका चले गए तो हमारे टच में ही नहीं थे, और जब कभी फोन पर बात होती थी तो सिर्फ करियर की बात होती थी, पर्सनल बात तो होती ही नहीं थी। तो अब वो क्या करती है? वो अभी प्रिंसिपल है, वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल है। वो कॉलेज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वहाँ की वो लेडी हिटलर है। स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स उसके नाम से कांपते हैं। मिस्टर श्रीनिवास, आपको पैसे जोक मारने के नहीं पढ़ाने के मिलते हैं। पूरे शहर में उस कॉलेज की बहुत चर्चा होती है, वहाँ की लड़कियों और लेक्चरर्स के लिए सेलफोन नॉट अलाउड है। कॉरिडोर में डिस्कशन बंद, कॉलेज में सब लोग यहाँ तक कपड़े पहन के आते हैं। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, लीवलेस अलाउड नहीं है, बदल कर आओ प्लीज। जाओ जाओ, कॉलेज के आसपास अगर किसी ने लड़कियों को लाइन मारा तो वो चाहे कोई भी हो, सिक्योरिटी से हट्टी पसली तोड़वा देती है। मुझे शैलजा से मिलना है। ए, ऐसा सोचना भी मत, वो हमारी फ्रेंड शैलजा नहीं है, ग्रेट ऑनर कॉलेज प्रिंसिपल शैलजा है। अपनी फ्रेंड की सिस्टर को कॉलेज में एडमिशन कराने गया तो बोली मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे तो बहुत शर्म आई यार। Excuse me, may I come in? Yeah, come in. Why don't you wear cotton sarees? I think cotton sarees तुम्हें suit करेंगी। Madam, I don't like wearing cotton sarees. वो मैं पहनने से बहुत बड़ी दिखाई देती हूँ। क्या मैं भी उम्र में बड़ी दिखाई देती हूँ? नहीं नहीं। मैडम, अगले हफ्ते हमने बोटानिकल टूर का प्लान बनाया है। मैडम, कोई विजय आपसे मिलने आया है, बता रहे कॉलेज में आपके जूनियर थे, वो आपसे मिलने के लिए भेज दो। विजय ठीक है, ठीक है मैडम, भेजता हूँ। अच्छा सुनो मैडम,
ये फाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में दे दो। हे विजय, आओ आओ, तुम ऐसे क्यों हो गए? कॉलेज के दिनों में तो बड़े स्मार्ट लगते थे, अब क्या हो गया? हाँ, कॉलेज के दिन जिंदगी भर चलते तो कितना अच्छा होता ना। हाउ आर यू मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बताओ क्या बात है? आजकल कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, आपके कॉलेज को रिक्वायरमेंट है इसलिए यहाँ पर आया। क्या तुम मुझे एक हफ्ते का टाइम दोगे प्लीज? श्योर, टेक योर ऑन टाइम, सी यू। कॉफी, टी? नो नो, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, बाय। बाय। मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, कॉलेज डेज में बड़ा स्मार्ट हुआ करता था ये। प्रिंसिपल से मिलना है। अपना आई कार्ड दिखाइए, चश्मा निकालिए, यहाँ से सीधे जाकर राइट लेकर सेकंड बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ? सीधे जाइए, फिर राइट, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। कितना हैंडसम है ना ये लड़का। क्या हुआ, इतना हैंडसम है क्या वो? सर, तो उसके साथ भाग जाओ ना, क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करो, बकवास करने चली है, चलो जाओ। पढ़ना लिखना नहीं है तो कॉलेज छोड़ दो। ए मिस्टर, वेट वेट, एड्रेस पूछने के लिए वही मिले थे? मैं कंफ्यूज था इसलिए पूछ लिया। होते हैं, हर कोई कंफ्यूज होता है, विमेंस कॉलेज है ना, तो कंफ्यूजन तो लाजमी है। फॉलो मी। देखो मिस्टर, कॉरिडोर में यहाँ वहाँ घूमना, लड़कियों को देखकर हंसना, अंगड़ाई लेना सब गलत है, यहाँ इधर उधर देखे बिना एकदम सीधा जाना है, समझ गए? कहिए सर, क्या हुआ और ये मार्क किस चीज का है? कुछ खास नहीं मैडम, आते वक्त एक मच्छर ने नाक पे काट लिया। ठीक है, क्या हुआ? मैडम वो कोई शशि कुमार आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर भेज दूं। इससे पहले आपके जूनियर को देखा, वो तो बड़ा अजीब था, अब ये कैसा होगा? ठीक है, भेज दीजिए। ओके। बताइए क्या चाहिए आपको? शैलू, मैं शशि। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। ठीक है, मेरा नाम शशि कुमार है, आपसे पर्सनल काम है। नो पर्सनल बिजनेस। देखो मेरी बात तो सुनो। आई सेड नो पर्सनल बिजनेस, गेट लॉस्ट। मैडम ने कहा वो नहीं पहचानती है, चलिए।